हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं HTML के MCQs। तो हमारा अभी HTML का ट्यूटोरियल आपको पता होगा कि अभी एंड हुआ है, और उस पे डिपेंडेंट हम HTML के MCQs को लाए हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको एग्जाम्स में। एंड अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो, और अगर वहाँ पे MCQs पूछा जा रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस लेक्चर को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरा लेक्चर देखना है। और हम अभी मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। आप यहाँ पे चार ऑप्शंस देख पाओगे, लाइक HTML, आप देख पाओगे हर एक का एक्सप्लेनेशन HTML से ही है। तो अपना ऑप्शन ए है हाइपरलिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी है होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, एंड डी है हाइपर टूल मार्कअप लैंग्वेज। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अपना सेकंड क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। अगर हम इंटरनली CSS अप्लाई करने वाले हैं तो कौन सा यहाँ पे जो है वो यूज होता है, कौन सा टैग। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, स्टाइल। स्टाइल हम लिखते कहाँ है, हेड के अंदर हम स्टाइल लिखते हैं, ओके। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आप देख पाओगे, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन स्टाइल कौन सा HTML का जो अपना एट्रीब्यूट है वो शो करता है। आप देख पाओगे ऑप्शन ए है क्लास, बी है स्टाइल, सी है फॉन्ट, और डी है स्टाइल्स। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा स्टाइल, बिकॉज जब हम इंटरनल इनलाइन स्टाइल सीट यूज करते हैं तो वहां पे अगर पैराग्राफ के अंदर यूज करना रहता है तो पी स्टाइल इक्वल्स टू, एंड उसके बाद वहां पे एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होगा एंड प्रॉपर्टी क्या होगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्शन ए लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं HTML में, ऑप्शन ए है ब्रेक, बी है BR, सी है LB, एंड डी है न्यू लाइन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेक, BR, ऑप्शन बी अपना BR राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी पैराग्राफ को हम ब्रेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लास्ट में BR यूज करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, विच HTML टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। कौन से HTML टैग के हेल्प से हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। तो ऑप्शन ए है बोल्ड, बी है बी, सी है स्ट्रॉन्ग, एंड डी है BB। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। जब हमें बोल्ड करना होता है तो मेनली हम बी टैग यूज करते हैं अपने HTML टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। सिक्स क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट एन इमेज। अगर हमें इमेज इंसर्ट करना है अपने HTML पेज में तो कौन सा टैग जो है यहाँ पे वो एलिमेंट जो है वहां पे वो सही है। ऑप्शन ए है इमेज, बी है इमेज, ए है IMG, बी है इमेज, सी है इमेज SRC, और ये अपना जो भी इसके अंदर पार्ट डालेंगे वो, एंड डी है SRC। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बात की गई है एलिमेंट की, तो इस टाइम पे अपना राइट आंसर हो जाएगा IMG। इमेज एलिमेंट के अंदर हम लोग SRC एंड वैल्यूज अपना जो भी एब्सोल्यूट लिंक है या रिलेटिव लिंक है उसका यहाँ पे जो है वो लिंक इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया एलिमेंट के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा IMG। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ओपन ए लिंक इन अ न्यू टैब ब्राउजर विंडो, ब्राउजर या विंडो। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऑप्शन ए है सेल्फ, टारगेट इक्वल टू सेल्फ, बी है टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, सी है टारगेट इक्वल्स टू न्यू, एंड डी है टारगेट इक्वल टू ओपन। तो अगर हमें एक न्यू टैब में जाना है तो एट दिस टाइम हम लोग यूज क्या करते हैं, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, ब्लैंक रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द ए टैग स्टैंड फॉर। ए टैग किसके लिए स्टैंड करता है या उसका फुल फॉर्म क्या होगा, जनरली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है एंकर, बी है अप्लाई, सी है एड्रेस, डी है एडिशन। तो हमारा एंकर टैग का फुल फॉर्म हो जाएगा, ए टैग का फुल फॉर्म हो जाएगा एंकर, जो कि अपना यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे देख पाओगे क्वेश्चन है, हाउ डज यू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग HTML में कैसे बनाते हैं। फर्स्ट है UL, यहाँ पे बी ऑप्शन है OL, सी है लिस्ट, डी है यू लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड ऑर्डर्ड के लिए यूज करते हैं OL, ऑर्डर्ड लिस्ट।
उसके बाद हम 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे विच एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज, कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाता है इमेज के लिए। ए है अपना, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अल्ट। अल्ट के अंदर हम लोग अल्टरनेटिव जो भी वहां पे इमेज के बारे में लिखना होता है वो लिखते हैं। ओके, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है यहाँ पे HTML कमेंट स्टार्ट विद, HTML का कमेंट जो हम लोग देते हैं वो स्टार्ट किस चीज से होता है। ए है डबल बैक स्लैश, बी है बैक स्लैश स्टार, सी है एंगल एक्सक्लेमेशन एंड डैश डैश, डी है हैच हैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपना है ये अपना कहाँ पे काम करता है, जावा हो गया, ये अपना मल्टी लाइन के लिए यूज होता है। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे HTML के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और इसे क्लोज करने के लिए हम लोग डैश डैश और ये एंगल ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करते हैं तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच टैग इज यूज फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। तो आपको पता होगा कि हेडिंग H1 से लेके H6 तक आता है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे H1 है, H6 है, हेडिंग है, H0 है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा लार्जेस्ट हेडिंग के लिए, H1। इसका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से HTML का पूरा ट्यूटोरियल पढ़ाया है, आप प्लीज़ जाके विजिट करोगे तो आपको HTML का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप HTML को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर, द HREF एट्रीब्यूट इन HTML इज यूज फॉर, HREF एट्रीब्यूट जो होता है HTML में किस चीज के लिए यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑप्शन ए डिफाइंड अ हाइपरलिंक, बी है डिस्प्ले ए हेडिंग, सी है डिस्प्ले एन इमेज और डी है इंसर्ट ए लाइन ब्रेक। तो हम लोग HREF जब लेते हैं ना तो HREF हम डिफाइंड करते हैं हाइपरलिंक को, क्योंकि एंकर टैग के अंदर जनरली HREF आता है। HREF के अंदर हम लोग कोई भी अगर हाइपरलिंक डालना चाहे तो वहां पे इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इन HTML विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड मस्ट बी फील्डेड आउट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एट्रीब्यूट हम लेंगे जो हमें HTML को जब हम फील्ड को फील्ड करेंगे तो उस समय पे वो मस्ट फील्डेड रहना चाहिए, विदाउट फील्डेड वो काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑप्शन है यहाँ पे वैलिड, बी है प्लेस होल्डर, डी है रिक्वायर्ड एंड डी है इनपुट। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिक्वायर्ड, बिकॉज जब हम लोग टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड करते हैं इस कंडीशन पे आप देख पाओगे कि अगर आप उस फील्ड को नहीं फिलअप कर रहे हो तो वहां पे एक एरर या आप बोल सकते हो हेडलाइटर आता है जो आपको बोलेगा, हाईलाइटर आता है जो आपको बोलेगा कि ये फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन अपना विच HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फूटर फॉर डॉक्यूमेंट और सेक्शन। डॉक्यूमेंट या सेक्शन में हम फूटर स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है फूटर, बी है बॉटम, सी है फूट, डी है सेक्शन। तो फूटर के लिए हम लोग जनरली HTML में फूटर ही यूज करते हैं जो कि अपना ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे विच एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट है ड्रॉप डाउन, बी है सेलेक्ट, सी है लिस्ट एंड डी है चॉइस। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेक्ट, बिकॉज हम लोग जब ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं तो सेलेक्ट के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, तो अपना राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट script.js। मतलब अगर हम मान के चलो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है अपना करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे स्क्रिप्ट HREF एंड script.js है, बी है अपना स्क्रिप्ट नेम इज इक्वल टू script.js, सी है अपना स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू script.js एंड डी है स्क्रिप्ट फाइल इज इक्वल टू script.js। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्रिप्ट src सोर्स इज इक्वल टू script.js जो अपना फाइल का नाम रहेगा वो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाओगे इन HTML टेबल इज यूज्ड फॉर। टेबल क्यों यूज्ड किया जाता है HTML में। ओके, पहला है क्रिएट ए डेटा स्ट्रक्चर, बी है ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट अ टेबल, सी है क्रिएट ए लेआउट एंड डी है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो आपको पता होगा यहाँ पे हम लोग जब इंसर्ट करने वाले रहते हैं टेबल को एट दैट टाइम हम यूज करते हैं टेबल एट्रीब्यूट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19 नंबर विच एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज। यहाँ पे देख पाओगे आप
आपको क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छे से देखना है कि मर्ज सेल इन टेबल हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली अगर हम मर्ज करने वाले हैं अपने टेबल को तो इस टाइम पे कौन सा हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं। फर्स्ट है मर्ज, सेकंड है कॉल स्पैन, सी है स्पैन और डी है रो स्पैन। तो एक्चुअली हम लोग क्या है हॉरिजेंटली अगर मर्ज करना चाहते हैं ना तो इस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं कॉल स्पैन। अपना ऑप्शन बी जो है वो राइट है यहाँ पे। आफ्टर दैट 20th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 20वां नंबर क्वेश्चन, द आई फ्रेम टैग। ओके, आई फ्रेम टैग इज यूज्ड फॉर, फर्स्ट है अपना ऑप्शन ऑप्शन ए एडिंग एन इनलाइन फ्रेम, बी है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सी है लिंकिंग सीएसएस, डी है क्रिएटिंग फॉर्म्स। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा एडिंग एन इनलाइन फ्रेम। जब हम लोग इनलाइन फ्रेम यूज करने वाले रहते हैं एट दैट टाइम पे, जब हम लोग एक्चुअली वीडियोज या ऑडियोज एड करने वाले रहते हैं ना उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं आई फ्रेम को। तो एडिंग एन इनलाइन फ्रेम, एक जो इनलाइन फ्रेम होगा वो यहाँ पे एड होता है। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच एस टी एम एल एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल दैट अपेयर इन द ब्रजर टाइटल। लाइक यहाँ पे ब्रजर का टाइटल आप ये बोल सकते हो कि ये है अपना एस टी एम एल एम सी क्यूज करके जो है वो अपना ब्रजर का टाइटल हो जाएगा। ऐसा जैसे मैंने फाइल का नाम रखा है एट लाइक दैट कि ब्रजर के टाइप पे अगर कुछ भी आ रहा है तो वो उसका टाइटल है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑप्शन ए है हेडर, बी है मेटा, सी है टाइटल, डी है हेड। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम टाइटल के अंदर ना हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे ना वो अपेयर होगा। ये टाइटल का क्लोज टैब हो गया, ये ओपन हो गया टाइटल, ओके ये क्लोज हो गया। इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो अपने ब्राउज़र के टाइटल पे डिस्प्ले होता है। तो हम लोग अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर इन एचटीएमएल। ओके, एचटीएमएल में अगर हमें बैकग्राउंड कलर एड करना है तो कौन सा यहाँ पे जो है वो सिंटैक्स सही है। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन को देख पाओगे, ऑप्शन ए बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू येलो, ऑप्शन बी है बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर येलो, ऑप्शन सी है बैकग्राउंड येलो एंड ऑप्शन डी है बीजी येलो। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बैकग्राउंड कलर यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम लोग बैकग्राउंड नहीं लिखेंगे, बिकॉज बैकग्राउंड कोई भी प्रॉपर्टी है नहीं, बैकग्राउंड कलर है प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम लोग येलो करते हैं अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाह रहे हैं उसमें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। 23rd जो अपना क्वेश्चन है वो है विच एचटीएमएल एलिमेंट रिप्रेजेंट इम्फसाइज टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आई, बी है स्ट्रॉन्ग, सी है ई एम और डी है बी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ई एम। जनरली हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग एचटीएमएल में है ना तो अगर आपको गेस भी करना है तो अगर इम्फसाइज है ना तो ई एम यूज करेंगे हम लोग, अगर बोल्ड है ना तो बी यूज करेंगे हम लोग। ये ना बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना तो यू एल यूज करेंगे। ओके, यू एंड एल अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट है तो हम लोग ओ एल यूज करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अपने वर्ड पे कि वर्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे शॉर्टकट लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट एट्रीब्यूट इज यूज आई एम जी टू स्पेसिफाई द इमेज फाइल लोकेशन। कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है ओके इमेज के लिए। ऑप्शन ए है एच आर ई एफ, बी है लिंक, सी है अल्ट, डी है एस आर सी। तो एस आर सी एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं इमेज। ओके, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा एस आर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच एट्रीब्यूट इज यूज इन एस टी एम एल टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले हैं किसी भी एलिमेंट को तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एस टी एम एल के ट्यूटोरियल में ये सब पढ़ाया हुआ है। ओके, तो आई थिंक कि आपको एक बार विजिट करना चाहिए। ऑप्शन ए है यहाँ पे आई डी, बी है क्लास, सी है की और डी है नेम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई डी। आई डी जो होता है वो अपना यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी एलिमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ। ये जो पी है अपना टेक्स्ट इन एचटीएमएल, पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। ऑप्शन ए है लेफ्ट, बी है राइट, सी है सेंटर एंड डी है जस्टिफाई। ओके, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्ट, क्योंकि जब भी हम कुछ भी लिखना अपना मान के चलो ये एचटीएमएल पेज है
जिसे हम रन करने पे ये वे पेज है अपना। तो पैराग्राफ की बात करेंगे ना, पैराग्राफ थोड़ा सा मार्जिन लेता है, थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग के साथ आता है, बट ये अपेयर होना शुरू करता है कहाँ से, यहाँ से। तो ये अपना लेफ्ट, अगर ये वेब पेज है एक, ओके, तो ये क्या हो गया अपना एक लेफ्ट साइड हो गया। तो ये अपेयर कहाँ से होना स्टार्ट होता है, लेफ्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे, विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल रो। टेबल रो के लिए कौन सा टैग जो है वो डिफाइंड होता है। ऑप्शन है रो, बी है टी आर, सी है टी डी और डी है टी एच। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी आर। अब जान पाओगे टेबल का रो करना है ना टी आर, टी डी मतलब क्या होता है टेबल का डेटा होता है, टी एच मतलब क्या होता है टेबल का हेडिंग होता है, ओके। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, विच एस टी एम एल एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस कौन सा डिफाइन करेगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्टाइल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाओगे आप, हाउ डू यू मेक ए नंबर्ड लिस्ट। यहाँ पे नंबर लिस्ट बोल रहा है इन एस टी एम एल, तो नंबर लिस्ट के लिए हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं। अगर नंबर लिस्ट चाहिए मतलब ऑर्डर लिस्ट चाहिए, ओके। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओ एल। अगर बुलेट पॉइंट रहता तो हम लोग यूज करते यू एल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन एस टी एम एल द एच आर टैग इज यूज टू। एच आर टैग किसके लिए यूज होता है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, फर्स्ट है लाइन ब्रेक, बी है हॉरिजॉन्टल रूल, सी है इंडेंसेशन, डी है न्यू पैराग्राफ। तो अपना एच आर जो आएगा ना वो हॉरिजॉन्टल रूल होता है, ओके। इसमें मेनली होता क्या है ना कि अगर मान के चलो हम दो पैराग्राफ ले रहे हैं ना, तो फर्स्ट पैराग्राफ पे मान के चलो कुछ लिखा हुआ है पी, तो ये एक ऐसा लाइन बना देता है हमारे वेब पेज पे, ये सेपरेट कर देता है एक तरीके से हमारे वेब, हमारे दो एलिमेंट को एट वेब पेज, ओके। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर क्रिएटिंग चेक बॉक्स। ओके, ऑप्शन ए है चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, सी है चेक, डी है इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग इनपुट टैग में जब चेक बॉक्स लेते हैं, बिकॉज इनपुट के अंदर टाइप लेंगे तो टाइप के बाद हम लोग चेक बॉक्स लेंगे, डायरेक्टली चेक बॉक्स नहीं ले सकते, ओके, बिकॉज ये इनपुट का एक पार्ट होता है चेक बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एस टी एम एल टैग इज यूज टू एड एन इंटरक्टिव मैप। अगर हम कौन सा टैग यूज करेंगे कि इंटरक्टिव मैप जो है वो हम लोग वेब पेज पे इंप्लीमेंट कर सकेंगे या मान के चलो ऐड कर सकेंगे। ऑप्शन ए है मैप, बी है एरिया, सी है आई फ्रेम और डी है सेक्शन। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैप। मैप करना है तो मैप टैग यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टैग इज यूज टू डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, ऑप्शन ए है प्री, बी है फॉर्मेट, सी है पी एंड डी है कोड। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्री। यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी प्रोवाइड, लाइक आंसर्स भी प्रोवाइड करवा के रखा है। अगर आप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूँगा पूरा आप देख लेना एक बार इस लेक्चर को। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे इसका पीडीएफ मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि वांट पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर इंसर्टिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना है तो कौन सा टैग हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए है एच आर, बी है लाइन, सी है एच वन, डी है एच लाइन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा एच आर, हॉरिजॉन्टल रूल जो होता है ना उसी को हम लोग एच आर लिखते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे बताया है ये बात, यहाँ देख पाओगे हॉरिजॉन्टल रूल एच आर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th नंबर क्वेश्चन है ये, विच टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए रेडियो बटन इन एस टी एम एल। अगर रेडियो बटन बनाना है तो कौन सा टैग जो है वो क्रिएट करता है। ऑप्शन ए है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, बी है रेडियो, सी है रेडियो बटन, डी है इनपुट, इनपुट रेडियो, ओके। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो होना चाहिए। डायरेक्टली अगर आप रेडियो, रेडियो बटन या इनपुट रेडियो के साथ जाते हो तो आपका ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। आप देख पाओगे इन एचटीएमएल हाउ डू यू मेक ए बुलेट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलेट पॉइंट क्या होता है कि उसके पास कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। बुलेट पॉइंट अपना ये है, वो अनऑर्डर रहता है, ओके। ये अपना बुलेट पॉइंट हो गया।
तो इसके लिए हम करेंगे क्या ना कि कौन सा टैग यूज करते हैं, यूएल अनडिफाइंडली लिस्ट बोल सकते हो, आ जा अनऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी अनडिफाइंडली अनऑर्डर्ड लिस्ट अपने लोग यूएल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ कंटेनर फॉर एन इमेज विद क्लिकेबल एरिया। ओके, ऑप्शन ए है मैप, बी है एरिया, सी है फिगर, डी है लिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना राइट आंसर सबसे पहले मैप हो जाएगा, और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारा एक इमेज है उस पर क्लिकेबल एरिया चाहिए ना, तो हम लोग मैप का यूज करते हैं। क्यों करते हैं पता है, क्योंकि जब हम लोग आप देख पाओगे उस पर क्लिक करेंगे तो वो बड़ा होगा। लाइक हम लोग मैप की यूज बात कर सकते हैं, रियल मैप जो होता है अपने गूगल मैप, वहाँ पे भी हम ऐसा एक बटन दिया रहता है कि आप जूम करते हो तो वो जूम होता है, या क्लिक करते हो उस कंडीशन पे भी समटाइम्स वो जूम होता है, तो हम लोग यूज करते हैं मैप का यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर लुकिंग एट ड्रॉप लिस्ट। ओके, ऑप्शन ए है ड्रॉप डाउन, बी है सेलेक्ट, सी है ऑप्शन, बी है चॉइसेस। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेलेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक ए फॉर्म एलिमेंट रीड ओनली। हमें एक फॉर्म बनाना है जिसमें हमारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, ओनली रीड होना चाहिए। लाइक अगर एक इनपुट का बॉक्स है, उसके अंदर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक कोड, ओके, तो ये ना बस हम पढ़ सकते हैं, इसे हम एडिट या डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे। ऑप्शन ए है रीड, बी है नो एडिट, सी है डिसेबल, डी है अनएडिटेबल। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीड ओनली। ओके, रीड ओनली हम लोग यूज करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, हम लोग अगर ले रहे हैं इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगर हम लोग ले रहे हैं इनपुट, ओके, तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हम लोग यूज क्या करेंगे, तो रीड ओनली इनपुट टाइप इज इक्वल टू इनपुट हो जाएगा अपना, या टेक्स्ट ही ले लेते हैं और यहाँ पे अपना आ जाएगा रीड ओनली। ओके, तो यहाँ पे रीड ओनली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 14th नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, 60 क्वेश्चन और बाकी है हमारा। विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ वीडियो इन HTML5। वीडियो इम्प्लीमेंट हुआ HTML5 में, और HTML5 जो है वर्केबल कब से हुआ था अपना, 2014 से ऑफिशियली ये वर्केबल हो गया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कौन सा टैग होना चाहिए, तो वीडियो के लिए हम लोग वीडियो टैग यूज करते हैं जनरली। ये सारा कुछ मैंने ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट को प्लीज विजिट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू डिफाइन अ सेक्शन दैट कंटेन नेविगेशन लिंक। ऑप्शन ए है नेविगेशन, बी है नैव, सी है नेविगेट, डी है लिंक। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नैव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज स्पेसिफाई करना है, ओके, तो ये हम कौन सा मतलब एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ऑप्शन ए है लैंग, बी है डायर, ये डायरेक्टरी बोल सकते हो, सी है लैंग टैप, और डी है लैंग्वेज। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंग। लैंग हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो जनरली हेड के अंदर यूज करते हैं। ओके, हेड देख पाओगे, हेड लैन इक्वल्स टू ई एन लिखा रहता है लाइक इंग्लिश। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच HTML टैग इज यूज टू प्ले ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल्स के लिए कौन सा HTML टैग आता है। ऑप्शन ए है ऑडियो, बी है साउंड, सी है म्यूजिक, डी है MP3। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो। वीडियो के लिए वीडियो टैग आता है, एंड ऑडियो के लिए जो है वो ऑडियो टैग आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉक कोट टैग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, ऑप्शन ए है टू फॉर्मेट लॉन्ग कोट्स, बी है टू इंटेंड ए पैराग्राफ, सी है टू क्रिएट ए सिंगल लाइन ब्रेक, और डी है टू बोल्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे ब्लॉक कोट जो होता है ना, उसका काम रहता है टू फॉर्मेट लॉन्ग कोट्स। अगर हम लोग लॉन्ग कोट्स ले रहे हैं ना, तो उसके फॉर्मेट को ना ये एज अ स्पेसिफाई करते हैं हम लोग ब्लॉक कोट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच टैग इज यूज टू ग्रुप टेबल रो इन द फूटर ऑफ अ टेबल। अगर फूटर ऑफ ए टेबल मतलब अगर फूटर के अंदर हम लोग टेबल स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो कौन सा टैग यूज करेंगे। ऑप्शन ए है टी फूट, बी है टी फूट रोज, सी है टी टेबल फूटर, डी है TF। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टी फूट यूज करेंगे, उसके बाद हम देख पाएंगे कि हमारा फूटर के अंदर टेबल क्रिएट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम लोग कौन सा HTML एलिमेंट यूज करते हैं। ऑप्शन ए है आउटपुट, बी है कैलकुलेट, सी है रिजल्ट,
और डी है सम, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच एचटीएमएल एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मीडिया इंडिपेंडेंट कंटेंट। ओके, मीडिया इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए हम लोग कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट यूज करते हैं। ऑप्शन ए है मैन, बी है सेक्शन, डी है कंटेंट और डी है अपना कंटेनर, सी है कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैन, बिकॉज मेन के अंदर हम लोग कोई भी मीडिया इंडिपेंडेंट कंटेंट लिख सकते हैं। लाइक मेन यहाँ से, एक मिनट, मेन स्टार्ट होगा, मेन यहाँ पे स्टार्ट होगा। ओके, टैग के अंदर पूरा मैं एम ही लिख रहा हूँ और जहाँ पे मेन खत्म होगा वो अपना मीडिया इंडिपेंडेंट कंटेंट उसके अंदर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग ए टेक्स्ट इनपुट फील्ड इन अ फॉर्म इज। यहाँ पे देख पाओगे, पहले मैं बोला इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होना चाहिए था, इनपुट नहीं होना चाहिए था। ओके, टेक्स्ट होना चाहिए था। यहाँ पे है कि कौन सा बेटर होना चाहिए, तो डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होना चाहिए, या नंबर होना चाहिए, या फोन होना चाहिए, या डेट होना चाहिए, बट इनपुट टैग इक्वल्स टू एंड ये डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 49th, इन HTML विच टैग इज यूज्ड फॉर मेन सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो मेन सेक्शन के लिए जनरली हम लोग मेन टैग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाई पेज मेटा डेटा। पेज का मेटा डेटा कौन कंटेंट रखता है, तो यहाँ पे एलिमेंट ऑप्शन ए है मेटा, बी है मेटा डेटा, सी है हेड, डी है डेटा। तो हेड के अंदर हमारा मेटा डेटा आता है, जो अपने मेटा डेटा के बारे में वैल्यूज कंटेन करके रखता है। तो इसे हम अभी नहीं जानेंगे, अभी हम बस MCQs देखेंगे, बट ये सारा कुछ मैंने HTML ट्यूटोरियल में पढ़ा के रखा है, तो आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 51, यहाँ पे विच एट्रीब्यूट इज यूज इन HTML टू डिफाइन द विथ ऑफ एन इमेज। अगर मान के चलो हम एक इमेज लेते हैं, ओके, और उस इमेज का कुछ हमें विथ स्पेसिफाई करना है। लाइक इमेज हमारा बहुत बड़ा सा है, इतना बड़ा सा है, हमारे वेब पेज पे वो बहुत गंदा शो कर रहा है, बट हमें चाहिए क्या, ब्यूटीफुल वे में उसे चाहिए, इतने बड़े में हमारा विथ चाहिए। तो उसके लिए हम लोग डिफाइंड क्या करते हैं विथ के लिए, ऑप्शन ए है लेंथ, बी है विथ, सी है साइज, डी है डायमेंशन। तो हम लोग वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं विथ इक्वल्स टू जितना पिक्सल्स चाहिए उतना पिक्सल्स। ओके, जैसे विथ इक्वल टू 100px, तो हमारा इमेज छोटा सा आएगा 100px में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज सेल वर्टिकली। वो मैंने हॉरिजेंटली देखा था, यहाँ पे वर्टिकली इन टेबल। तो देखो, जब हम लोग वर्टिकली करेंगे ना, तो इस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे रोज स्पैन। ओके, अगर हम लोग हॉरिजेंटली किए थे तो कॉल स्पैन यूज किए थे। अभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रो स्पैन, ये हमारा अभी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो देना नहीं था, ओके, बस हम यहाँ पे हेडलाइट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। ओके, कौन सा अपना जो यहाँ पे टैग है वो स्पेसिफाई करेगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को। तो देखो, स्क्रिप्ट को ये डिफाइन करने वाला है ना, तो हमारा यहाँ पे टैग भी ना स्क्रिप्ट होगा। ओके, अगर मान के चलो यहाँ पे बोलता कि स्टाइल को दिखाना है, स्टाइल सीट को दिखाना है, तो स्टाइल रहता, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट डज द कैप्शन टैग डू इन अ टेबल। अगर किसी टेबल में हम लोग कैप्शन टैग यूज करते हैं तो उसका काम क्या रहता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, एड अ रो एट द टॉप, एड्स अ टाइटल टू द टेबल, एड्स अ बॉर्डर टू द टेबल, और डी है अपना एड्स अ कॉलम ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैप्शन मतलब ही टाइटल होता है, सिंपली हम लोग समझ सकते हैं। अगर किसी चीज का कैप्शन दे रहे हैं ना, तो इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि उसका टाइटल हम लोग ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे अपना हो जाएगा एड्स अ टाइटल टू द टेबल, अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच टैग इज यूज टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, ऑप्शन ए है लिस्ट, बी है डीएल, सी है यूएल और डी है ओएल। देखो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट चाहिए ना अपने को, तो अगर गेस करना होगा तो लिस्ट तो आएगा नहीं, यूएल आएगा नहीं, ओएल आएगा नहीं, डीएल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डीएल हम लोग स्पेसिफाई कर, डीएल टैग स्पेसिफाई करेगा डिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, विच एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन अ टर्म इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अगर टर्म डिफाइन करना है, टर्म ही है, टर्म इज डेटा भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, टीडी।
ओके, टेबल डेटा बोल सकते हैं इसे हम, ऑप्शन ये अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट इन ए फॉर्म, अगर फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं तो ऑप्शन ए है सेलेक्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है अपना, ऑप्शन ए अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा सेलेक्ट। ओके, मैं इसे हेडलाइट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि द एक्शन एट्रीब्यूट इन एन एचटीएमएल फॉर्म टैग इज यूज टू स्पेसिफाई, अगर हम लोग एक्शन एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो उसका क्या काम रहता है। ऑप्शन ए है द URL टू सेंड फॉर्म डेटा, द मेथड ऑफ सबमिशन, द नेम ऑफ द फॉर्म, और डी है द अपेरेंस ऑफ द फॉर्म। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हम लोग जब मेथड यूज करते हैं, एक्शन यूज करते हैं ना, तो एक्शन अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई करते हैं लाइक कोई भी वैल्यूज, तो वो करता क्या है ना कि एक्शंस में जनरली हम लोग अपना, मान के चलो अगर PHP का बैकएंड में कर रहे हैं तो उसका हम लोग फाइल का नाम देते हैं, तो एट दैट टाइम ये करता क्या है कि हमारे सारे डेटा को वहाँ पे सबमिट करता है। तो द URL टू सेंड फॉर्म डेटा, URL को हम लोग फॉर्म डेटा सेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई दैट इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाएगा अपना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज टू एम्बेडेड एक्सटर्नल कंटेंट सच एज वीडियोज एंड इंटरेक्टिव मैप्स। ओके, तो देखो वीडियोज के लिए या इंटरेक्टिव मैप्स के लिए ना हम लोग आई फ्रेम यूज करते हैं, आई फ्रेम के अंदर SRC डालते हैं, SRC के अंदर वीडियोज का हम लोग लिंक्स प्रोवाइड करवाते हैं, या वीडियोज हमारा रहता है तो उस फाइल का नेम प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच HTML टैग इज डिफाइंड इम्पोर्टेंट टैग्स, तो इम्पोर्टेंट टैग्स के लिए ना हम लोग बेसिकली स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग के अंदर हम लोग जो भी वैल्यूज देते हैं ना वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एट्रीब्यूट इनपुट, इनपुट का पर्पस क्या है। देखो बेसिकली इनपुट का एक ही पर्पस है कि ये हमारे लिए ना इनपुट फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ इनपुट, ये अपना रॉन्ग हो जाएगा, कलर क्यों देगा वो, इनपुट है तो इनपुट प्रोवाइड करवाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे टू मेक द फील्ड ऑप्शनल, नहीं ऑप्शनल है या नहीं है इसके लिए, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट हम लोग लाइक एट्रीब्यूट या एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे। टू लिंक अनदर पेज, नहीं अनदर पेज के लिए तो हम लोग HREF यूज करेंगे जनरली। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड में जो डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे ना, इनपुट टाइप इक्वल टू समथिंग, ओके, तो उसका वो डेटा टाइप प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू डिफाइन द स्केलर मेजरमेंट विद इन अ नन रेंज, मतलब अगर एक स्केलर नन रेंज के अंदर हम क्या ऐसा डालेंगे कि एक वो डिफाइंड वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे अपना बी राइट हो जाएगा, मीटर। ओके, यहाँ पे 63 पे पहुंचे हैं हम लोग, 63 क्वेश्चंस पे। यहाँ पे है विच एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन ए क्लिकेबल बटन, बटन रहना चाहिए बट वो क्लिक बटन रहना चाहिए। ओके, तो इस टाइम पे हम लोग यूज क्या करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन है ना, तो इस टाइम पे बस वो एक ऐसा मुझे बटन बना के दे देगा, इधर बी लिख देता हूँ मैं। ओके, बट अगर हम नॉर्मली बटन ले रहे हैं ना, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसे क्लिक कर सकेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू क्लिक कोई टाइप ही नहीं है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटन, बटन लेंगे बाद में उस पर स्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे एंड उसे हम क्लिकेबल बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच टैग वुड यूज टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर ए वेब पेज। ओके, इनकोड करने के लिए हम लोग वेब पेज में कौन सा जो है वो यहाँ पे टैग यूज करते हैं, तो आप देख पाओगे कि कैर मीन्स कैरेक्टर होता है। ओके, तो ये हम यूज नहीं करेंगे वहां पे, इसका डायरेक्टली हम आंसर देखते हैं। ओके, मेटा डेटा कैर सेट UTF-8 अगर हम यूज करते हैं ना, यहाँ पे मेटा कैर सेट हेड आएगा नहीं, मेटा आएगा, अगर यहाँ पे मेटा भी रहता तो ये ऑप्शन भी सही था, बट एक ही ऑप्शन सही होगा MCQs में, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा मेटा कैर सेट UTF-8 जो यूज करते हैं वो हम कैरेक्टर को इनकोड करने के लिए वेब पेज पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ टेबल सेल, अगर टेबल में हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं तो कौन सा टैग यूज करते हैं, तो सेल में कुछ भी डिफाइन करेंगे लाइक, तो आप समझ सकते हो कि टेबल का डेटा डालते हैं,
मान के चलो अगर कोई टेबल है, ये टेबल है, ओके ये एक टेबल है, तो सेल मीन्स क्या हो जाएगा, सेल मतलब ये हो जाएगा, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो सेल को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो ना टेबल का डेटा डाल रहे हैं, तो टेबल का डेटा यहाँ पे टीडी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द प्लेसमेंट होल्डर एट्रीब्यूट इन एन इनपुट टैग स्पेसिफाई। स्पेसिफाई मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट जो अपना एट्रीब्यूट है वो क्या स्पेसिफाई करता है एक इनपुट में। तो ऑप्शन ए है द नेम ऑफ द फील्ड, बी है द डिफाइल्ड वैल्यू, सी है हिंट टेक्स्ट फॉर द फील्ड, डी है वैलिडेशन रूल। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्लेसमेंट होल्डर मीन्स आप बोल सकते हो कि एक हमारा ये ऐसा अगर टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड नहीं बोल सकते, हाँ टेक्स्ट बोल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगर टेक्स्ट लिए हैं तो इनपुट फील्ड बोल सकते हैं टेक्स्ट का। यहाँ पे अगर वो दे रहा है इंटर योर नेम करके, ओके अभी आप समझ लो इंटर योर नेम करके अगर दे रहा है तो इसमें ये हिंट दे रहा है हमें कि अपना नाम यहाँ पे इंटर करो, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंट फॉर द टेक्स्ट। इसके बाद है अपना 67 क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्र ABR टैग इज यूज फॉर। तो एब्र मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म एब्रिगेशन होता है, तो सिंपली आप इसे आप क्लिक कर सकते थे कि एडिंग एब्रिगेशन एंड एनकोनिमियस, एब्रिगेशन है ना एब है ना, तो एब्रिगेशन वो ऐड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन अ हेडर फॉर द डॉक्यूमेंट और सेक्शन। कौन सा एलिमेंट अपना हेडर मतलब डिफाइन करता है हेडर को, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए देख पाओगे, हेड बी है, हेडर सी है, सेक्शन डी है टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर मतलब क्या, आप हेडर मत ले लेना, हेडर मतलब हेड, हेड के अंदर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं सब कुछ, ओके हेडर स्पेसिफाई करते हैं हेड के अंदर, हेड के अंदर मेटा डेटा रहता है, रहता नहीं है लाइक हेड के अंदर हम लोग डेटा मेटा डेटा जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे 69 क्वेश्चन पे है हम लोग, हाउ कैन यू क्रिएट अ सबमिट बटन इन HTML। अगर मान के चलो HTML में हमें सबमिट बटन क्रिएट करने को बोल रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, देखो सब कुछ इनपुट के अंदर आएगा, इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो और सब क्वेश्चन रॉन्ग कैसा है वो देख लेते हैं, हमें डायरेक्टली क्या बोल रहा है, सबमिट बटन बनाने को बोल रहा है, बटन नहीं बोल रहा, तो इससे ऑप्शन बी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, सबमिट आएगा नहीं क्योंकि इनपुट टाइप चाहिए और बटन टाइप नहीं होता है, कभी भी इनपुट का टाइप होता है, बटन का टाइप थोड़ी कुछ होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच HTML एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL फॉर एलिमेंट। यहाँ पे SRC, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच HTML टैग डिफाइन द मेन कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो ये मेन हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टारगेट एट्रीब्यूट डू विद यूज इन एंकर टैग के अंदर में। अगर हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट लाइक एंकर टैग ए इक्वल टू HREF और वहां पे कुछ वैल्यूज डालते हैं तो वो किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे वो ही पूछ रहा है। फर्स्ट है ओपन द लिंक इन अ न्यू टैब, बी है स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द लिंक, सी है सेट द कलर ऑफ द लिंक, डी है एड एन अंडरलाइन। नहीं तो यहाँ पे HTML में अगर हम हाइपर टेक्स्ट के अंदर कोई भी लिंक डाल रहे हैं ना तो जनरली करेगा क्या, ओपन द लिंक इन अ न्यू टैब, इन अ न्यू टैब या उसी टैब पे अगर हाइपर लिंक हम लोग यूज कर रहे हैं ना और उसे रन कर रहे हैं ना तो उस टाइम पे वो दूसरे जगह पे जाके यूज होगा, वो ओपन होगा। अगर नहीं मान के चलो अगर कुछ इमेजेस हम लोग ले रहे हैं तो वो तो SRC के अंदर जाता है, यस ये न्यू पेज ओपन द लिंक इन अ न्यू टैब, न्यू टैब में जाके वो ओपन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। नंबर लिस्ट मतलब ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे OL अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू एड अ कैप्शन बिलो एन इमेज। मान के चलो बहुत जगह पे आप देखे होंगे कि अगर ये है अपना इमेज, इस पर आप ऐसा आते हो ना तो देख पाओगे आप ये इमेज का नाम दिखाता है तो वो तो अल्ट के अंदर जाता है, ओके बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैप्शन ऐड करना है बिलो द इमेज, तो हम लोग यूज कर सकते हैं फिक कैप्शन। एक मिनट, इसे हमें पहले करना पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, फिक कैप्शन यूज करते हैं कैप्शन बिलो एन इमेज हम लोग इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एट्रीब्यूट यूज इन इनपुट टैग टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट।
तो अगर इनपुट हम लोगों को डिफाइंड करना है, नहीं यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज, एट्रीब्यूट बोल रहे हैं ना, इनपुट यूज करना रहता है तो एट्रीब्यूट के अंदर हम लोगों को टेक्स्ट देते हैं या कोई और वैल्यूज लेते हैं, अगर टेक्स्ट के लिए बोला गया तो टेक्स्ट लेते हैं। बट यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट, तो मेनली हम लोग टाइप यूज करते हैं ना, अभी भी हम लोग ऊपर देखे हैं कि लाइक इनपुट टाइप इजकल टू समथिंग, तो इनपुट टाइप को, इनपुट टाइप को स्पेसिफाई करेगा कि ये कौन से टाइप का इनपुट है। ओके, तो टाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया इन HTML? तो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए हम लोग जनरली टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। लाइक ये कहाँ से स्टार्ट होगा, वो टेक्स्ट एरिया मान के चलो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चाहिए वहाँ पे जाके ये खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक, अगर इटैलिक कर रहे हैं ना तो जनरली हम लोग आई यूज करते हैं। ओके, तो ये इटैलिक हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एड्रेस टैग, एड्रेस टैग क्या यूज होता है या क्या करता है HTML में? ऑप्शन ए है स्पेसिफाई एन एड्रेस, बी है लिंक टू URL, सी है एड लोकेशन इंफॉर्मेशन, डी है क्रिएट ए हाइपरलिंक। तो यहाँ पे एड्रेस जो है टैग वो यूज होता है, स्पेसिफाई करता है एड्रेस। ओके, स्पेसिफाई एन एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, विच टैग रिप्रेजेंट अ सेल्फ कंटेंट कंपनसेशन इन HTML? यहाँ पे ऑप्शन ए है डिव, बी है सेक्शन, सी है आर्टिकल, डी है कंटेंट। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग एन इनलाइन फ्रेम, अगर इनलाइन फ्रेम हम लोग यूज करने वाले हैं तो, अगर इनलाइन फ्रेम करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एलिमेंट डिफाइंड ए मल्टी लाइन इनपुट फील्ड? ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम सिंगल लाइन की बात करते हैं तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे तो सिंगल लाइन है, या नंबर लेंगे तो सिंगल लाइन है, बट मल्टी लाइन चाहिए ना, तो मल्टी लाइन हमारा टेक्स्ट एरिया देता है। जहाँ पे हम लोग फॉर्म अगर क्रिएट कर रहे हैं HTML में तो टेक्स्ट एरिया क्यों लेते हैं, मान के चलो हमें किसी का एड्रेस लेना है तो एड्रेस वो मल्टी लाइन में आएगा ना, तो टेक्स्ट एरिया देते हैं हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, What attribute is used to set the language of HTML document? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा lang, lang en इक्वल टू जो भी हमें डिफाइन करना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर टैग इज यूज टू डिफाइन, फिगर टैग किसके लिए यूज होता है? तो देखो फिगर टैग हम लोग जनरली फिगर तो आएगा ही आएगा विद कैप्शन, ओके फिगर विद कैप्शन के लिए यूज होता है फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन इमेज डिस्क्रिप्शन, इमेज का डिस्क्रिप्शन अगर यूज करना है तो मैंने तब बोला था आपको alt, अगर मान के चलो ये इमेज है तो इस पे जैसे ही माउस आएगा तो ये इमेज इसका डिस्क्रिप्शन मीन्स इसका नेम बता देगा कि ये बॉयज का इमेज है, गर्ल्स का है, डॉग का है या किस चीज का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड? ओके, अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो अल्ट है भाई। देखो यहाँ पे भी अपना राइट आंसर डिस्क्रिप्शन अल्ट के अंदर ही लिखते हैं, अगर मान के चलो ये इमेज यहाँ पे आप देख पाओगे, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, एक नहीं है मतलब आपको पूछ सकता है घुमा के, अगर इमेज है, इमेज के अंदर अल्ट यूज किया हमने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये फोटो किसका है, एक बॉय का है, ओके एक बॉय का ये फोटो है, अगर ये इमेज डिस्प्ले नहीं भी होगा ना एट दैट टाइम ऑल्सो हमें ये बॉय तो दिखाएगा ना लिखा हुआ, और डिस्प्ले होगा तो उसके साथ भी दिखाएगा, माउस को जैसे हम यहाँ पे लेके जाएंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मेथड एट्रीब्यूट इन अ फॉर्म स्पेसिफाई, यहाँ पे ऑप्शन है URL, बी है HTTP मेथड, सी है स्टाइल ऑफ द फॉर्म, डी है द टाइप ऑफ द डेटा। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा HTTP मेथड, यूज टू सेंड द डेटा, यहाँ पे गेट और पोस्ट का यूज करते हैं जनरली हम लोग। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाओगे आप, 87 नंबर क्वेश्चन है अपना, अभी 13 क्वेश्चन रिमेन है। विच टैग यूज टू डिफाइन अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड के लिए हम लोग UL यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच HTML एट्रीब्यूट इज
यूज टू ओपन हाइपरलिंक इन अ न्यू टैब। अगर न्यू टैब में यूज करना है तो हम लोग टारगेट यूज करते हैं, टारगेट शुड बी ब्लैंक सेल्फ ऐसा करके होता है। तो टारगेट ऑनली एक्चुअली यहाँ पे टारगेट ब्लैंक लेंगे तो न्यू पेज में जाएगा, अगर सेल्फ लेंगे तो वहीं पे ओपन होता है। ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट्रीब्यूट कौन सा होना चाहिए, ठीक है, हमें एट्रीब्यूट का टाइप नहीं पूछ रहा, बस एट्रीब्यूट पूछ रहा है, तो एट्रीब्यूट हमारा टारगेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेजेंड टैग। लेजेंड टैग का पर्पस क्या होता है इन द फॉर्म, ऑप्शन ए है टू डिफाइन अ कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट, ऑप्शन बी है टू स्टाइल फॉर्म एलिमेंट, सी है टू क्रिएट फॉर्म सेक्शन, डी है टू सबमिट फॉर्म। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू डिफाइन अ कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। फील्ड सेट एलिमेंट का अगर हम कैप्शन यूज करना चाहते हैं ना तो लेजेंड टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, What does the source tag provide in HTML5? HTML5 में जब सोर्स फाइल आया ना तो वो किसके लिए आया, देखो सोर्स फाइल हमारा आई फ्रेम के अंदर आता है, ओके और आई फ्रेम के अंदर मेनली हम यूज क्या करते हैं, मल्टीपल मीडिया, हाँ या मल्टीपल मीडिया लाइक ऑडियोज वीडियोज एनिमेशन वगैरह हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे। तो अपना बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, अलाउ मल्टीपल मीडिया सोर्स फॉर ऑडियो और वीडियो एलिमेंट्स। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, विच टैग वुड यू यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड इन नोट एडिबल टेबल। अगर नोट एडिबल चाहिए तो सबसे मतलब रीड ऑनली यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्क टैग। देखो अगर आप एचटीएमएल के साथ हो ना तो यहाँ पे बहुत सारा टैग है, ओके आपको टैग्स के बारे में पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम और इंटरव्यूज ना, अगर एमसीक्यूज आता है उस टाइम पे, बिकॉज मेनली टैग्स के बारे में पूछा जाता है, नहीं तो आपको पूछा जाएगा फॉर्म क्रिएट के टाइम पे लाइक इनपुट टैग अगर टेक्स्ट है तो क्या वो वैल्यूज दिखाएगा, उसके लिए इनपुट टैग अगर नंबर है तो क्या वैल्यूज दिखाएगा। तो हमें टैग और फॉर्म पे अच्छे से कवर होना चाहिए। तो मार्क क्या करता है ना कि हाईलाइट करके टेक्स्ट को दिखाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस फॉर द ऑटो प्ले एट्रीब्यूट इन द वीडियो ऑडियो। देखो मैं ये सारा कुछ आपको HTML का जो अपना ट्यूटोरियल है उसमें बता चुका हूँ, तो आप एक बार अगर ट्यूटोरियल देख लोगे ना तो कितना भी अगर MCQs क्रिएट हो रहा है ना तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व, यू कैन डेफिनेटली मेक देम राइट, ओके। तो आपको वहाँ पे जाना है, आपको एक बार विजिट करना है बस, ओके। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे पढ़ पाओगे, अगर आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्ले द मीडिया, अगर हम लोग ऑटो प्ले यूज़ करते हैं ना, ऑटो प्ले अगर यूज़ करते हैं एलिमेंट, तो वहाँ पे होता क्या ना कि हमारा वीडियो ऑटो प्ले हो जाता है। अगर ऑटो प्ले एंड म्यूट करते हैं तो हमारा क्या होता है, वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगा विद म्यूटेड, और सेम ऑडियो के लिए भी वही होता है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 94th नंबर, विच HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले कंप्यूटर कोड। अगर कंप्यूटर कोड हमें दिखाना है तो उसके लिए हम लोग कोड टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन द फूटर। तो फूटर के लिए हम लोग फूटर टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना, व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक के लिए हम लोग BR यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना, इन HTML विच एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई ए नेविगेशन लिंक। तो उसके लिए हम लोग नैव यूज करते हैं। और अपना 98th नंबर क्वेश्चन है, विच HTML एट्रीब्यूट डिफाइन द define that an HTML file should be automatically get focused when the page load. Automatically focus के लिए ना हम लोग generally auto focus use करते हैं, okay? और अपना second last question है यहाँ पे, what is the correct HTML HTML for inserting an image? Image insert के लिए कौन सा यहाँ पे right है? देखो इस type का question mainly पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है पता है? क्योंकि उन्हें उससे ये भी पता चल जाता है कि आप क्या-क्या use कर रहे हो, और ये भी पता चल जाता है उन लोगों को कि अगर जनरली प्लेसमेंट में पूछा जाता है कि आप लोगों को इंसर्ट वो इंसर्ट करने आता है नहीं, वैल्यूज पुट करने आता है या नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए है अपना, इमेज SRC इज इक्वल टू इमेज, और अल्ट पे हमारा मैं इमेज का नेम है, उसके बाद है ये IMAG इमेज है, बट अपना टैग है IMG, HREF आता नहीं है, SRC आएगा सोर्स के अंदर हम लोग डालते हैं, ओके, और अपना इमेज टैग आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपना लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ HTML टैग फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। ओके तो सबसे पहले आप देख पाओगे वेब पेज हमारा आता है ना तो HTML आएगा, HTML आएगा अपना,
हैंडराइटिंग पे मत जाना। और यहाँ पे HTML के बाद हेड आता है। हेड के अंदर मेटा डेटा जो भी हम अपना डालना चाहें, या टाइटल या कोई सा लिंक यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक, वो सब आ जाता है। एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट में अपना बॉडी आता है। तो बॉडी के अंदर हम लोग करते क्या है ना कि जो भी कंटेंट लिखना रहता है बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो अपना यहाँ पे राइट देख पाओगे हो जाएगा HTML, हेड आएगा, हेड के अंदर टाइटल आएगा, टाइटल के बाद बॉडी आएगा। ओके, तो हमने अभी 100 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, बिकॉज इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको अगर प्लेसमेंट में बैठे हो और HTML का क्वेश्चंस आ रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और बैठे हो एग्जाम में, MCQs इसी टाइप का आता है। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से देखना, एक बार देख लेना। और अगर आपको इसका डायरेक्ट PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो PDF, तो हम अपने टेलीग्राम पे PDF शेयर कर देंगे, जहाँ से डायरेक्टली आप लोग जो भी मैंने लिंक किया है, जो भी लिखा है इसके साथ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चैनल आपके लिए और ये वीडियोज़ भी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।